सब कितने क्रिटिकल, अभी एक हफ्ते पीछे चले जाएं, कोच भी अच्छा नहीं है, तो बैटिंग कोच भी सही नहीं है, तो कप्तान भी हमारा जो है ना वो कुछ नहीं करता एंड ऑल, तो कहते हैं ना एकदम एहसासात बदल गए और पता नहीं क्या क्या बदल जाता है, सवेरा को पता है वो जुमला कौन सा है। सो थिंग्स हैव चेंज नाउ, एब्सोल्युटली यही टीम है, यही खिलाड़ी हैं। क्रिकेट है ना वो, अब उनके उनको कफ सिर्फ लेना पड़ेगा, और आप यकीन करें कि गले फाड़ फाड़ के जो है वो हम अंदर भी नारेबाजी सुनते रहे, बाहर भी नारेबाजी सुनते रहे, इनसे इनकी फीलिंग जानते हैं थोड़ी सी। ये बताएं कि बाबर रिजवान पर कड़ी तनकीद हो रही थी कि वन डाउन आना चाहिए, और कई एक ऐसी भी मूवी है जिसको एडिट करके कहा कि था वन डाउन नहीं जाऊंगा, तो आप ये बताएं बाबर रिजवान पे कितना फखर महसूस हो रहा है? बाबर रिजवान हमारे हीरो हैं, वो कभी परफॉर्म करें या ना करें हम उन्हें ऑलवेज सपोर्ट करते रहेंगे, और आज बाबर और रिजवान ने प्रूव किया अगेन कि 152 का टारगेट होता है वो डेफिनेटली दोनों पूरा कर गए। 153 का था, 152 बनाया न्यूजीलैंड ने। भाई ये बताएं शाहीन की वापसी कितनी इंपॉर्टेंट साबित हुई है, शाहीन का रिदम पाकिस्तान के लिए? देखिए दरअसल शाहीन से हर कोई डरता है, बेशक वो स्लो बॉल कराए या जैसे मर्जी कराए, इंजर्ड था वो, फिर भी वो कमबैक किया उसने, और तब भी उसने परफॉर्म करके दिखाया, उसने प्रूव करके दिखाया। यार इंडिया के लिए क्या कहोगे जो कहते थे कुछ दिन पहले कि कराची या लाहौर की टिकट कटाओ? देखिए हमने देखा है, हमने विटनेस किया है आज कि पाकिस्तान इज आउटस्टैंडिंग। सवेरा के साथ भी कुछ पाकिस्तानी शायकीन खड़े हुए हैं, आइए देखते हैं जी कौन है इनके साथ। अदील इस वक्त तो ना ये बाइफरकेट करना मुश्किल है कि हम इस वक्त सिडनी में हैं या लाहौर में हैं या कराची में हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह का माहौल था बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं। जितने फैंस, जितनी तादाद में फैंस यहाँ आए और जितना सपोर्ट, और ये सपोर्ट सिर्फ ये नहीं कि आज सेमीफाइनल था तो सपोर्ट था, जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से यहाँ खेला था जहाँ पे जिस वक्त टीम पाकिस्तान डाउन एंड आउट थी, उम्मीद नहीं थी कि सेमीफाइनल खेलेगी, उस वक्त भी ये सपोर्ट था। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे फैंस मौजूद हैं, आप यहाँ से आए हैं, यहीं रहते हैं या स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए आए? मैं वैसे तो पाकिस्तान का रहने वाले हैं, गुजरात के, लेकिन इस वक्त इस मैच के लिए मैं यूएसए से आया हूँ, और तकरीबन 35 आवर्स लगे, 15 घंटे की दो फ्लाइट लेके यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैच देखने के बाद सारी थकावट दूर होगी, पैसा वसूल होगा। आप मेरा मुंह मीठा करा रहे जी, मैं आपके लिए ये कहा, यहाँ तो मिठाई या रसगुल्ले मिलते नहीं है, तो हमें ये चॉकलेट ही मिली, तो इसलिए बिल्कुल जी ये देखिए जी मेरा, मैं मुंह मीठा करने लगी हूँ, और भी मैं आप और लोगों से भी बात करना चाहूंगी। हाँ जी आप बताएं, आप भी यूएसए से आए? जी मैं भी न्यू जर्सी से आया हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 30 आवर्स की फ्लाइट है, और सारे पैसे समझे हमारे पूरे हो गए थे यही, और हम चाहते हैं कि इंडिया भी उस तरफ से जीत के आए और फिर दो दो हाथ उससे फाइनल में हो जाए। फिर दो तो हो, मतलब एमसीजी में फिर से आपको चाहिए इंडिया पाकिस्तान का जोश और जज्बा हाई है, क्योंकि यूएस में भी लोग देखते हैं कि यार ये मैच जरूर होना चाहिए, तो वैसे तो वो हमसे खेलते नहीं है, तो मजबूरन आएंगे तो शायद इस पे सोचें और करें। इंडिया और इंग्लैंड नहीं चाहते आप, बिकॉज हर बंदा चाहता है 92 रीडू हो जाए, वो 30 साल बाद फिर से वही हिस्ट्री दोहराए, तो आप ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंग्लैंड हो जाए, या पाकिस्तान और इंडिया ही चाहिए? पाकिस्तान इंडिया चाहिए, इंडिया जो है पाकिस्तान इंडिया से मैच जीते, क्योंकि पाकिस्तान जो लीग मैच है थोड़ी सी अंपायरिंग अच्छी नहीं हुई, नहीं तो पाकिस्तान ने अभी वो बदला भी लेना है, तो फाइनल जिस तरह आईसीसी 2017 का हुआ था फाइनल जीता था, और इस बार इंशाल्लाह इंडिया से पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2022 इन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 1,00,000 क्राउड के आगे इंशाल्लाह जीतेगा। बाबर की आज की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे, बिकॉज पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर थे, बहुत प्रेशर था, बट आज बड़े मैच का खिलाड़ी बड़े मैच पे ही करता है। बिल्कुल ऐसे ही बाबर को आप देखें, वो हमेशा बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी रहा है, और उसने बड़े मैच में परफॉर्मेंस दी है, लीग मैचों में थोड़ा सा इन टच में नहीं था, लेकिन ये कि उसने प्रूव कर दिया कि वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, और उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह वर्ल्ड कप वही जिताएगा। सो फिर पाकिस्तान और एमसीजी वी आर कमिंग।